हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पर क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 50 जो है वो यहाँ पर देखेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सपेंड, मतलब यहाँ पर हमें जी जो दो टर्म दिए गए हैं उसको एक्सपेंड फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखिए, एक एक्सपेंड फॉर्म में लिखने का जो फॉर्मूला है वो हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है 5a + 6b² ब्रैकेट के बाहर स्क्वेयर है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का जो फॉर्मूला है a + b का, तो हम वो पहले यहाँ पर लिख लेंगे। मैं फॉर्मूले यहाँ पर बताती हूँ। पहले देखिए, ब्रैकेट में हम लिखेंगे a + b उसका स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसके बाद देखिए a + b इसका स्क्वेयर है इज इक्वल टू, पहले जो टर्म है a उसका स्क्वेयर है प्लस, ये दोनों टर्म जो है उसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2ab, 2ab ये है, और उसके बाद दूसरा जो टर्म है जो b उसका स्क्वेयर है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पर ये जो कंडीशन हमें दिए गए हैं वो यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अभी देखिए, इस फॉर्मूले के अनुसार हम यहाँ पर लिखेंगे 5a + 6b², ये जो हमें क्वेश्चन दिया है उसका हम यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए, a + b² मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 5a + 6b, 5a + 6b इसका स्क्वेयर है इज इक्वल टू, पहली कंडीशन क्या है, ए स्क्वेयर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5a² ठीक है, प्लस उसके बाद प्लस है, उसके बाद क्या दिया है, टू, देखिए टू ए बी है, तो यहाँ पर टू क्या करेंगे हम, 2 5a + 6b, ए और बी है, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, 2 5a + 6b, समझ में आया। ए के यहाँ पर कौन सा नंबर है, 5a है, 5a, दोनों के बीच का साइन आता है मल्टीप्लाई 6b, इसके बाद प्लस है, और सेकंड कंडीशन है b² बी को क्या कौन सा नंबर है, 6 नंबर है, तो 6b². ठीक है, इस फॉर्मूले के अनुसार हमने यहाँ पर नंबर्स यहाँ पर लिखे है, जो कंडीशन यहाँ पर लिखे है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5a² है, 5a² है, 5 का स्क्वेयर कितना होगा, 25, और a का स्क्वेयर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 5 × 6 हम पहले यहाँ पर करेंगे, 5 × 6 हो गए 30, और 30 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताते 30 × 2 60, 60ab, a × b मतलब 60ab, उसके बाद प्लस का साइन है। ठीक है, उसके बाद 6ab² है, बी स्क्वेयर वैसे के वैसे लिखेंगे, और 6 का स्क्वेयर हो गया 6 6 36। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आता है, 25a² + 60ab + 36b² हमें ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है, और ये फॉर्मूले के अनुसार ही हमें यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समझ में आ गया। सेकंड देखिए, a/b + b/3² इसी फॉर्मूले के अनुसार हम यहाँ पर करेंगे। a + b² यहाँ पर दिया है, तो ये जो नंबर है वैसे के वैसे आगे यहाँ पर लिखा रहेगा, a/2 + b/3² इज इक्वल टू, ए यहाँ पर ए स्क्वेयर दिया है, तो ए स्क्वेयर मतलब a/2 इसका हम स्क्वेयर लिखेंगे, पहली जो कंडीशन है a/2 इसका स्क्वेयर करेंगे, प्लस इसी फॉर्मूले के अनुसार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, 2a/2 × b/3। ठीक है, सेकंड कंडीशन आ गई हमारी यहाँ पर, उसके बाद प्लस का साइन है बीच में, और सेकंड कंडीशन का स्क्वायर है, सेकंड कंडीशन है b/3, उसका स्क्वायर हमें लिखना है। समझ में आ गया। इसके बाद हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अभी a/2 इसका स्क्वायर लिखना है, तो a का स्क्वायर आ गया a² ऐसे लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर आ गया 4, प्लस ab ऊपर वैसे के वैसे आ गया, और देखिए 3 और 2 है यहाँ पर, उसे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ देखिए 2 और 2 यहाँ पर उसका डिविडेशन होता है, 2 1 2 2 1 2 होता है, और यहाँ पर सिर्फ 3 बचे बीच नीचे,
ए बी अपॉन थ्री यहाँ पर आ गया, प्लस बी स्क्वेयर अपॉन थ्री का स्क्वेयर हमें लिखना है, थ्री थ्री जा नाइन, समझ में आ गए। तो इस तरह से हम आंसर लिखेंगे ए स्क्वेयर अपॉन फोर प्लस ए बी अपॉन थ्री प्लस बी स्क्वेयर अपॉन नाइन, समझ में आ गए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 2p माइनस 3q स्क्वेयर। देखिए यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है, लेकिन इस फॉर्मूले में हमें यहाँ पर क्या दिया है, पहले माइनस का साइन दिया है, ठीक है। तो 2p माइनस 3q स्क्वेयर इज इक्वल टू, पहला कंडीशन 2p उसका स्क्वेयर करेंगे, बीच में माइनस का साइन है वो वैसे के वैसे लिखेंगे, उसके बाद 2 से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2p मल्टीप्लाई 3q, 2p मल्टीप्लाई 3q, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, हमारी कंडीशन के अनुसार प्लस का साइन आएगा, और 3 स्क्वेयर हम दूसरी कंडीशन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वेयर लिखेंगे, 2 2 हो गए 4, और पी स्क्वेयर लिखेंगे, माइनस का साइन है बीच में, उसके बाद 2 2 4 और 4 3 12, 2 3 6 भी होते हैं, देखिए 2 3 6, 6 मल्टीप्लाई टू 12, 12 पी क्यू, प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया 3 3 9, और क्यू का स्क्वायर हो गया क्यू स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर, आंसर आता है 4p² माइनus 12pq प्लस 9q². नेक्स्ट है फोर नंबर का, देखिए x माइनस 2x², ये जो एग्जाम्पल से वो हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए x माइनस 2x² इज इक्वल टू, पहली कंडीशन है x उसका स्क्वेयर लिखेंगे x² माइनस 2x मल्टीप्लाई 2x, ठीक है 2x मल्टीप्लाई 2 अपॉन x, ठीक है प्लस 2x², ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले के अनुसार हम ये नंबर्स यहाँ पर लिखेंगे, यही कंडीशन के अनुसार हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद x² कहा गया, x² वैसे के वैसे आएगा, माइनस का साइन है बीच में, माइनस आएगा, फिर 2 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x मल्टीप्लाई 2 अपॉन 4x, 2x मतलब 2 2 हो गए 4, प्लस 2 2 हो गए 4 अपॉन x, प्लस यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वेयर वगैरह 4 अपॉन x, समझ में आ गया। यहाँ पर x² माइनस 2 2 4 प्लस 4 अपॉन x². नेक्स्ट है फाइव नंबर का, ax प्लस by² ये जो हमें फॉर्मूला है उसी तरह से करेंगे, ax प्लस by² इज इक्वल टू, पहली कंडीशन है ax उसका स्क्वेयर लिखेंगे, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों कंडीशन को, 2 मल्टीप्लाई ax प्लस ax मल्टीप्लाई by, 2 से इन दोनों कंडीशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, सेकंड कंडीशन है by उसका स्क्वेयर लिखेंगे, उसके बाद ax² हम वैसे की वैसे यहाँ पर लिखेंगे a² x², ठीक है दोनों का स्क्वेयर है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दोनों का स्क्वेयर लिखेंगे, a² x² प्लस यहाँ पर 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो हम किस तरह से लिखेंगे, 2 ax by 2 प्लस b² y², समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है 7m - 4² 7m - 4² इज इक्वल टू, पहली कंडीशन का स्क्वेयर लिखेंगे 7m² बीच में माइनस का साइन है, उसके बाद इन दोनों की हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 7m × 4, देखिए 2 ब्रैकेट के बाहर 2 है, उसके बाद 7m × 4, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, फिर सेकंड कंडीशन है 4 को 4 का स्क्वेयर लिखेंगे, उसके बाद 7 का स्क्वायर हो गया 7 7 49, और m² माइनस 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या करेंगे 7 और 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 हो गए हमारे 28, और 28 मल्टीप्लाई 2 हमने किए थे आते हैं 56 m प्लस 4 4 हो गए 16, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्स प्लस वन अपॉन टू उसका स्क्वेयर है। एक्स प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू, पहली कंडीशन है एक्स एक्स का स्क्वेयर करेंगे प्लस टू से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स, देखिए टू एक्स मल्टीप्लाई वन अपॉन टू, इसके बाद प्लस, और सेकंड कंडीशन है वन अपॉन टू उसका स्क्वेयर लिखेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वेयर आएगा प्लस टू एक्स मल्टीप्लाई वन अपॉन टू है तो यहाँ पर टू जाएगा, टू वन टू टू जा होते हैं फोर, और सॉरी यहाँ पर देखिए टू, यहाँ पर टू जाएगा, सिर्फ यहाँ पर कितना बजेगा एक्स बजेगा, यहाँ पर एक्स लिखेंगे प्लस वन अपॉन टू का स्क्वेयर आता है, वन का स्क्वेयर वन ही आ गया, आया टू का स्क्वेयर आ गया फोर, टू टू जा फोर, आंसर आता है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन फोर। और लास्ट है ए माइनस वन अपॉन ए स्क्वेयर, इसी फॉर्मेले के अनुसार लिखेंगे, पहली कंडीशन ए है ए का स्क्वेयर माइनस टू से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कंडीशन को, मतलब टू ए मल्टीप्लाई वन अपॉन ए प्लस, उसके बाद प्लस का साइन आएगा प्लस, सेकंड कंडीशन है वन अपॉन ए उसका स्क्वेयर हम लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर किस तरह से लिखेंगे, ए स्क्वेयर माइनस टू ए प्लस वन अपॉन ए स्क्वेयर, टू ए यहाँ पर आ गए, समझ में आ गए। यहाँ पर ए ए जो है ये दोनों जाते हैं तो सिर्फ टू यहाँ पर बचते हैं प्लस वन अपॉन ए स्क्वेयर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 50 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर देखा है। प्रैक्टिस सेट 50 का क्वेश्चन नंबर टू जो टू थ्री और फोर नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम पार्ट टू में देखेंगे। तो आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पे अगर आप नए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।